अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूँ एफत और आप अंदाज़ा करें अभी मैं कहाँ मौजूद हूँ मैं अपने आबाई शहर के एक गांव में से आपको खुश आमदी कहती हूँ और वेलकम टू तो माय होम मैं दो सुबह खबे के एक गांव में मौजूद हूँ और आज मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि मेरे आबाई शहर में तो ग्रीन हाउस किस तरह का है और वो ज़रात में आ, क्या क्या फ़ायदा क्या चाह रहा है और मैं आपको दिखाऊंगी कि चूँकि मेरे आबाई शहर के करीब तो बहुत से ग्रीन हाउस मौजूद हैं मैं आपको दिखाऊं आप देखें ये तो मेरे आबाई शहर के आसपास ये ग्रीन हाउस है क्या पाकिस्तान में भी ऐसे ग्रीन हाउस मौजूद है आप ज़रूर कमेंट्स में मुझे बता दें आप देखें कितना लंबी है एक लंबा है एक ग्रीन हाउस है और अभी मैं आपको अंदर दिखाना चाहूँगी कि चिंग में ग्रीन हाउस किस तरह का है और मेरे साथ आइए हम अंदर देखते हैं और मैं अभी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि चूँकि चिंग में ये दर्जा हरारत बहुत बहुत सर्दी है और बहुत अभी तकरीबन तीन या डिग्री सेंटीग्रेड है और अंदर यानी ग्रीन हाउस के अंदर अभी ये दर्जा हरारत तो हमेशा के लिए बाईस डिग्री सेंटीग्रेड है इसलिए इसमें तो बहुत आ, गर्म है तो आइए हम एक साथ देखते हैं और अभी हम तो अंदर आ, जा रहे हैं और मेरे साथ जाए यहाँ अंदर जाकर यहाँ एक स्मॉल रूम है ताकि किसान यहाँ रेस्ट कर कर सकते हैं और अंदर हम अभी तो अंदर आते हैं और यहाँ ज़्यादा लोग लो, किसान यहाँ काम कर रहे हैं मैं आपको दिखाऊंगी आप देखें अभी इस मौसम में तो यहाँ पालक उगाते हैं और इस यहाँ आप देखें यहाँ भी आ, सब प्यास है ना? और और लोग अभी काम कर रहे हैं मैं आपको आपको ये बताना चाहूँगी कि क्योंकि अभी मौसम सरमा में बाहर का दर्जा हरारत तो तक़रीबन तीन या चार है और ख़ासतौर पर तो रात को तक़रीबन महफी टिंग या महफी बाउंस तक पहुंच जाती है लेकिन इसके अंदर तो हमेशा के लिए ये बाईस दर्जा हरारत का है और इसकी राज क्या है मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ एक जुल्हा मौजूद है और रात को आपको पता है रात को यहाँ की यहाँ के टेम्परेचर बहुत नीचे है बहुत कम है तो किसान ये जूलहा चला चला देंगे ताकि यहाँ वर्म होगा और तो दोपहर को आपको मैं आपको दिखाऊंगी दोपहर को चूंकि यहाँ के दर्जा ख्याल तो ज़्यादा होती है इसीलिए किसान तो ये आ, प्लास्टिक तो ओपन करे और यहाँ एक यहाँ तो ठंडी हवा अंदर जा सकते हैं जै, जैसे हम तो खिड़की करते हैं तो इसीलिए हाँ इस तरह तो आ, ये यहाँ की तरज़ाय खरात तो मस्तकम होगी और इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूँ अंदर, अंदर अंदर जाके मैं आपको और ज्यादा आ, दिखाएं अभी इस मौसम में मौसम में सरमा में आ, पालक उगाती है क्योंकि पालक तो बहुत जंग सब्जी है इस बहुत सर्दी मौसम में लिया मैं आपको दिखाऊंगी आप देखें बहुत बहुत लंबी है ग्रीन हाउस पर हम हम आगे चले और मैं आपको और ज्यादा दिखाऊंगी अब देखें ये ग्रीन हाउस की वजह से यहाँ पालक को न, तेज हवा या तेज़ बारिश और तो हाई मौसम का के खिलाफ तो यहाँ तहफूज को फराहम करते हैं आप देखें इस तरह दो तो बालक है यह दो तो पारक है अब क्या आप देख सकते हैं मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी पारक ज्यादा मौजूद है और मैं आपको एक और आ, राज शेयर करना चाहती हूँ कि यहाँ इस ग्रीन हाउस में तो ज्यादा लाइट्स भी मौजूद है और इस लाइट्स का किरदार न सिर्फ दो रोशन रोशन करने के लिए है पर के तो इस रात को ये यह, यहाँ की सब्जियाँ इस लाइट के जरिए तो फोटो है हरीथ, कर सकते हैं इसकी वजह से तो ये सब्जियों के फल तो बड़ा हो सकता है और ये एक आ, ग्रीन हाउस हा। के एक की एक और खूबी है हम और आगे जाएं मैं आपको और ज्यादा दिखाऊंगी क्योंकि तो यहाँ बहुत कर्म है अब बहुत ज़्यादा है और अब ये देख मुझसे ये जाना चाहते हैं कि एक हाउस में एक साल में किसान कितने पैसे कमा सकते हैं मैं आपको ये शेयर करना चाहूंगी कि इस ग्रीन हाउस के इस्तेमाल की शर् बहुत ज्यादा है क्योंकि अब देखें ये पालक तो आ, अक्टूबर में यानी तकरीबन ये गुम अक्टूबर में ये आ, बेज बोए किए हैं फिर तकरीबन तीन माह के बाद ये बगर आ, ये पग बग कर फरोखत के लिए तैयार होता है यानी तीन माह में ये पालक पग हो सकते हैं और इसके बाद तो दूसरी राउंड के पालक हम किसान उगा सकते हैं तो ये दो सेकंड दो के पालक है और इसके अलावा तकरीबन मार्च में यहाँ के किसान तो थमाथ भी उगाते हैं और पना थमा के पौधे तो मार्च में उगाते हैं फिर तकरीबन मई में तो फरोहत के लिए तैयार होंगे और इसके बाद तो आ, अगस्त में अगस्त में दूसरी थमात हो के राउंड शुरू होगा यानी टमाटो हो का के पौधे के साथ उगाते हैं और फिर अक्टूबर में तो दोबारा होंगे और इसलिए यहाँ के आ, ये ग्रीन हाउस की जमीन के इस्तेमाल की शर बहुत आ, ज्यादा है और इस अलावा ये, ये खुली जगह में मैं आपको दिखाऊंगी आप देखें ऐसे खुली जगह में आमतौर पर कुछ सब्जियां भी उगाती हैं अब देखें यहाँ भी कुछ छोटे 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 पौधे भी मौजूद हैं और यहाँ सब्ज प्याज और क्योंकि ब्रोकली गोभी भी कभी कभार उगाते हैं इसीलिए इस एक ऐसी तरह की आ, का ग्रीन हाउस में एक साल तकरीबन छ लाख रुपए कमा सकते हैं और यहाँ के किसान आमतौर पे दो या तीन ऐसी ग्रीन हाउस हैं तो मजमू तौर पर एक साल में इन के लिए तकरीबन पंदला लाख रुपए तो गमा सकते हैं आप क्या पाकिस्तान में ऐसे ग्रीन हाउस मौजूद है आप ज़रूर दो कमेंट्स में मुझे बता दें और ये ग्रीन हाउस के हवाले से आप क्या जानना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स में भी मुझे बता दें क्योंकि यहाँ की टेम्परेचर बहुत हाई है, है और मैं थक हुई हूँ और मेरी मेरा दो पसीना आया है मैं चूँकि मैं आ, बाहर में तो ज्यादा ये तो मोदी जैकेट है पहनी होती थी लेकिन अंदर जाकर मैं तो ये उतारना चाहती हूँ अब मैं आपको दिखाऊंगी कि अभी अभी तो लोग इसकी खटाई ये किसान किसान इस पारक की खटाई कर रहे हैं अभी तो बालक फरोहत का मौसम है और इसके बाद तो सेकंड राउंड आएगा और इसके बाद लोग तो थमा थो हैं क्या आप एक ग्रीन हाउस से तामीर करने का इरादा है मेरे ख्याल में ये किसान के लिए तो एक बहुत अच्छा आईडिया है अब देखे यहाँ पे सब्स प्याज भी, भी मौजूद है छोटे छोटे सब्स प्याज आप देखें यह ये, ये पार्क कितनी अच्छी तरह का है एक छोटा छोटा ग्रीन हाउस तो बहुत से पैसे कमा सकते हैं आपका क्या ख्याल है ओके okay. यहाँ तो अ कटाई हुई पालक भी मौजूद है मैं आपको दिखाऊंगी आगे भी मौजूद है अब देखें ये अः देखने में ये पालक छोटा है लेकिन खटाई के बाद ये तो बहुत बड़ा वाला है अब देखें इतना इतना बड़ा वाला है और कितना फ्रेश है अभी तो वो फिनिश करके फ्ल, फ्लोहट करेंगे अब देखें यहाँ एक ये यह क्या कहते हैं टेम्परेचर बताने के लिए है और यहाँ दिखाई जाती है यहाँ का टेम्परेचर तकरीब 20 है क्योंकि आज बहुत सर्दी है तो अभी इसका मौसम है तो 20 है ओके okay, आपका क्या ख्याल है एक ग्रीन हाउस के हवाले से आपका कोई आइडिया है क्या आप एक ऐसा ग्रीन हाउस तामील करना चाहते हैं और अगर जिंग में आप आएंगे क्या आप यहाँ की सैर करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स में मुझे बता दें और ग्रीन हाउस के हवाले से अगर आपके पास कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट्स में मुझे बता दें और इफ़त को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़िज़